हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुभुज पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले जानिए प्रत्येक बाह कोणी। यदि कोई कह दे कि एन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में है तो उसका प्रत्येक बाह कोण क्या है, या कोई आपसे पूछ दे कि त्रिभुज का बाह कोण कितना होता है तो कितना होता है, एक किसी भी त्रिभुज का बाह कोण कितना होता है, पता होगा कि 120 डिग्री होता है, लेकिन हमको नहीं पता है। अब त्रिभुज के पता है ना, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज को पूछ दे इतना तो हम लोग याद करके नहीं चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 360 डिग्री आ बटा एन। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। यदि पंचभुज कर दे तो एन की जगह 5 लिख देंगे, ठीक है। तो हमसे यदि कोई कहीं पर कह दे कि त्रिभुज के बाह कोण का कितना होता है, 360 बटा 3 मतलब कि 120। हमसे कह देता कि चतुर्भुज का बाह कोण कितना होता है, तो 360 बटा 4 90 डिग्री होता है। अंतः कोण जब निकालना हो तो अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण इसके के लिए क्या करें कि 180 डिग्री आ माइनस प्रत्येक बाह कोण, ठीक है, 180 डिग्री या माइनस बाह कोण का जो भी मान है वही हो गया। या इसका फॉर्मूला भी है कि एन माइनस टू आ बटा एन आ गुना 180 डिग्री। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। यहां पर लिख देते हैं कि एन बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, जितना भुजा है। यहाँ पे हमको कह दे कि पंचभुज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 भुजा है तो 5 माइनस 2 3 बटा 5 गुने 180 करेंगे, जो भी आ गया उसी का मान प्रत्येक अंतः कोण होगा। हम लोग क्वेश्चन में अभी इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट कि एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। अब सभी अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण कह दे तो इसके लिए क्या करिए कि 180 माइनस बाह कोण, बाह कोण का प्रत्येक बाह कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री बटा एन, या इसका डायरेक्ट प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू बटा एन इंटू 180 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला कि एन माइनस टू आ गुना 180। मतलब यहां से क्या देखें कि नीचे वाला एन को हटा दीजिए, बस वही फॉर्मूला बन गया। प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना था, एन माइनस टू बटा एन इंटू 180, यहाँ पर सभी का योग कर रहा है तो एन माइनस टू गुने 180 कर दीजिए। अब इस पर देखिए क्वेश्चन, यदि हमसे कह दे कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो सभी अंतः कोणों का योग के लिए क्या क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला कि एन माइनस टू आ गुना 180। तो त्रिभुज का कितना भुजा होता है, 3, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो 3 माइनस 2 गुने 180, तो 3 माइनस 2 जाएगा तो 1, तो 1 गुने 180 180 डिग्री। तो आपको पता भी होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, या त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। हमसे कह देता कि प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, तो यहां पर कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना होता है फॉर्मूला कि एन माइनस टू आ बटा एन गुने 180 डिग्री। तो एन का मान कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 2 बटा 3 गुने 180, तो 3 में से 2 जगह था 1, 1 बटा 3, तो 3 से कितना मतलब 60 मतलब, तो त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है 60 डिग्री। अब कोई कोई कह सकता है कि समकोण में होता है 90 डिग्री भी होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में होता है ना 60 डिग्री, प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यदि हम लोग कह देते हैं कि प्रत्येक बाह कोण कितना होता है, तो 360 बटा 1, तो 360 बटा 3 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज के, अब कह दे रहा है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एन माइनस टू और गुणे 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है। इनका मान यहाँ पर कितना होगा, चतुर्भुज है तो 4 भुज है, तो 4 माइनस 2 और गुणे 180, 4 में से 2 तो कितना बचेगा, 2, तो 2 गुने 180 कितना होता है 360 डिग्री। तो एक आपको पता भी होगा कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यदि प्रत्येक अंतः कोण कह देता तो क्या करते हैं, प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना होता है फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एन माइनस टू बटा एन गुना 180 डिग्री। एन का मान कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 2 बटा कितना, यहां पर 4 होगा, गुने 180।
चार से इसको काट दीजिए, चार चार 16 और चार पाँच 20, चार माइनस दो दो 50, दूनी के 90। तो कहा चतुर्भुज में प्रत्येक कोण को 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए चतुर्भुज यही ना, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? आप लोग देख पता होगा। और त्रिभुज के क्या होता है? सभी अंतर कोण 60 डिग्री होता है। अब कोई कोई कह सकता है कि त्रिभुज में क्या होता है कि अलग होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, होता है, लेकिन कुल तो 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, ये त्रिभुज का अपना रूल है। अब बात करते हैं पंचभुज के, कि पंचभुज के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है? इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सभी अंतर कोणों का योग याद कर लीजिए कि एन माइनस टू गुना 180 होता है, होता है कि नहीं होता है? एन का मान कितना है? 5 है, तो 5 माइनस 2 और गुना 180, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3, तो 180 गुणे 3 540। तो पंचभुज के सभी अंतर कोणों का योग जो है 540 डिग्री होता है। हमसे पूछ देता है कि प्रत्येक अंतर कोण कितना होता है, तो प्रत्येक अंतर कोण बराबर जो होता है, प्रत्येक अंतर कोण बराबर जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एन माइनस टू बटा एन अगुना 180 डिग्री। तो एन का मान कितना है? 5, तो 5 माइनस 2 बटा 5 अगुना 180। 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, 15 बचेगा 30, 5 36, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचा ना, तो 36 दिया के कितना हो जाएगा? 36 या 6 दिया के 18, 3 दिया 9 1 10। तो पंचभुज के प्रत्येक अंतर कोण जो होता है 108 डिग्री होता है। अब वास्तव में भी होता है पंचभुज, हो गया ना, 1 2 3 4 5 भुजा, ये प्रत्येक अंतर कोण जो होता है 108 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब हमसे पूछा था कि प्रत्येक बाह कोण कितना है, तो बाह कोण के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कितना होता है? बाह कोण के लिए फॉर्मूला कितना जानते हैं आप लोग, कि बाह कोण बराबर कितना होता है? 360 डिग्री बटा एन, तो 360 बटा एन, एन का मान कितना है? 5, तो 360 बटा 5, तो 5 इसको काट दीजिए, 5 सात 35 और बच गया कितना? 10, तो 5 दूनी के 10 72 डिग्री हुआ ना। तो प्रत्येक बाह कोण 72 डिग्री है। हम लोग दूसरा फॉर्मूला जाने थे कि प्रत्येक अंतः कोण बराबर जो होता है, प्रत्येक अंतः कोण बराबर जो होता है, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बाह कोण लिख देते हैं, प्रत्येक बाह कोण बराबर 360 बटा एन, और प्रत्येक अंतः कोण बराबर जो होता है 180 और माइनस बाह कोण, बाह कोण कितना है? 72। तो यहां से 108 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मतलब कि दोनों मेथड से हमारा बनाना सही हुआ कि पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री होता है, बाह कोण 72 डिग्री होता है, और पांचों भुजाओं के अंतः कोणों का योग जो होता है 540 डिग्री होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि एन भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या, जब भुजा एन है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? अब जैसे में चतुर्भुज होता है तो उसमें विकर्ण की संख्या कितनी है? सबको पता होगा कि कितना होता है? 2। लेकिन आज हम लोग फॉर्मूला से रिलेट करेंगे कि हाँ चतुर्भुज का विकर्ण की संख्या 2 ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब कह दे कि इतना भुजाओं की संख्या इतनी है तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला है कि एन इंटू एन माइनस 3 बटा 2। अब कोई कह देगा कि त्रिभुज के विकर्ण क्यों नहीं होता है? तो इस फॉर्मूला से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि त्रिभुज के भुजा कितना होता है? 3, तो 3 गुणे 3 माइनस 3 बटा 2, 3 में से 3 गए तो 0, तो 0 हो गया, तो क्या हो गया? पूरा को 0 कर दिया। तो इसी तरह कारण है कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चतुर्भुज के। तो एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका फॉर्मूला से रिलेट करिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका विकर्णों की संख्या के लिए? एन इंटू एन माइनस 3 बटा 2। तो चतुर्भुज भुजा कितनी है? 4, तो 4 गुने 4 माइनस 3 बटा 2, तो 4 में से 3 गया तो 1, और 4 से क्या होगा? 2 मरता है कट जाएगा, तो 2 एक 2। तो वास्तव में क्या होता है, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 ही ना होता है। ये चतुर्भुज है तो विकर्ण एगो ई होता है, एगो ई होता है, 2 एगो में विकर्ण होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं याद रखेगा तो पंचभुज कह दे, अष्टभुज कह देगा, अष्टभुज कह देगा, तो आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। सबको तो याद रखेंगे नहीं, तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या कह दे तो क्या करेंगे? एन इंटू एन माइनस 3 बटा 2। तो एन का मान कितना है यहाँ पे? 5 है, 5 गुने 5 माइनस 3 बटा 2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो 2 से 2 का होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
विकर्णों की संख्या पांच। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? पांच होती है। अब आता जाता है षष्ठभुज में। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसको कैसे बनाएंगे? वही फॉर्मूला लगाए कि n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। n का मान यहाँ पे कितना होगा? षष्ठभुज है तो छह, भुजा की संख्या तो छह गुणे छह माइनस तीन अब बटा दो, दो से छह कितना मतलब कटेगा? तीन, छह में से तीन गया तो तीन, तीन तीन नौ। तो षष्ठभुज में जो है विकर्णों की संख्या नौ होता है। तो एक ये भी याद कर सकते हैं कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या दो होता है, पंचभुज में पांच होता है, षष्ठभुज में नौ होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कड़ा, ये बेहद ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको बना लेंगे, लेकिन बनाकर दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कड़ा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीसरे कोण का माप होगा। एक बात बताइए, अभी देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब पहला मान लिए कि एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ई ए है, बी है, सी है। यदि हमको कोण ए का मान दे दिया कि 40 डिग्री है, और कोण बी का मान दे दिया कि 110 डिग्री है, और कोण सी ज्ञात करना, तो क्या करेंगे? हमको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी का अंतः कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम लोग को दिया हुआ है तो 40 प्लस 110, ए का मान 40 है, बी का मान 110 डिग्री है, सी का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे। यहां से कितना हो गया? 110 और 40 150, तो यहां से कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो हमको पता चलेगा कि तीसरा कोण जो है 30 डिग्री है, तो यहां से सी ऑप्शन सही हो गया। या डायरेक्ट आप लोग कह सकते थे कि दो कोण का माप दे दिया है कि 140 है प्लस 110 है, मतलब कि 150 हो गया, तो तीसरा कोण के लिए क्या करेंगे कि 180 माइनस 150 30 डिग्री। यहां तो समझाने के लिए ए बी सी मानना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा? मतलब हमसे पूछा कि अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, तो इसके कैसे बनाएंगे सो देखिए। अष्टभुज, अष्टभुज में मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या कितनी है? आठ है, एन बराबर आठ है। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण के लिए आप लोग फॉर्मूला अभी देखे हैं कि क्या होता है। प्रत्येक अंतः कोण बराबर जिसे डायरेक्ट निकालते थे, एक तो बाह कोण से निकालते थे, एक डायरेक्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था एन माइनस टू बटा एन गुना 180 डिग्री, होता था कि नहीं होता था? एन का मान यहाँ पर कितना है? आठ, तो आठ माइनस दो बटा आठ गुने 180 डिग्री। इसको क्या करिए, चार से कटा दीजिए, चार दूने के आठ है, इसको चार से चार तक 16, चार पचे 20, आठ में से दो जाएगा तो छह, छह भागा दो तीन, तीन गुने 45 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ से? 145 दिए 135, 45 दूने के 90 या फिर 45 135 डिग्री। या बांह कोण हम लोग आगे निकाल लेते, तो बांह कोण बराबर कितना होता है? 360 बटा एन, होता है कि नहीं होता है? 360 बटा एन, एन कितना है? 8, 8, तो 360 बटा 8, तो 8 से 8 चक 32 और 5, 8 बजे 40, तो यहां से बांह कोण 45 डिग्री पर चल गया। तो अंतः कोण बराबर क्या होता है? प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 माइनस बांह कोण, 180 माइनस 45 कितना होगा यहां से? 135 डिग्री। तो यहां से भी हमको पता चल गया कि 135 डिग्री ही होगा समष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण, तो यहां से सी ऑप्शन सही हो गया। हमसे कह देता कि प्रत्येक पूरे अंतः कोण का योग कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अंतः कोण के योग के लिए। अंतः कोण के योग के लिए क्या फॉर्मूला जानते थे? याद करिए कि n माइनस टू गुना 180 डिग्री, तो n का मान यहां पर कितना है? 8 है, तो 8 में से दो जाएगा तो 6, 6 गुना 180, 18 छक कितना होता है? 8 छक 28 के 8, 4 के 1, 6 108, तो 180 डिग्री होगा अष्टभुज के अंतः कोणों का योग। हमसे कोई पूछ रहे कि विकर्ण की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि n इंटू एन माइनस थ्री बटा दो, यहाँ पर अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 8, तो 8 गुणे 8 माइनस 3 और बटा 2, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 2 से ही 4 पड़ते हुए कट गया, तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या जो है 20 होगा। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीख लिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि छठा नंबर है। तो एक क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में लगता है कि आया हुआ है, अब कौन से साल में आया है ये याद नहीं है, तो लेकिन ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए कि दो सम
बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, मतलब कि 2 बहुभुज है, हमको भुजाओं की संख्या नहीं दिया हुआ है, जिसका भुजाओं की संख्या का अनुपात जो है 1:2 में, मतलब कि एगो में यदि भुजाओं की संख्या 8 है ना, तो दूसरा में 16 है। इस तरह से यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भित्री कोण या अंतःकोण 120 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भित्री कोण की माप क्या होगा, मतलब कि कितना है, हमसे पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे। सो देखिए क्या करें कि 2 समबहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। मान लें कि पहली बहुभुज की संख्या कितनी है, x मान लिए, तो दूसरी बहुभुज की संख्या कितनी होगी, की संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, इतना दूसरी बहुभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि 1:2 में यदि ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। तो हमसे क्या करें, प्रत्येक भित्री कोण 120 डिग्री है, अब प्रत्येक भित्री कोण के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, यदि पहली बहुभुज के लिए देखे तो प्रत्येक भित्री कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n × n-2 क्या होता है, n × n-2/n × 180 डिग्री। तो यहाँ पर x है तो क्या लिखेंगे, x − 2/x × 180 डिग्री, अब बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण बराबर दिया हुआ है हम लोग का मान 120, तो यहां से कटा लीजिए, डिग्री से डिग्री खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 = 12 और 2 से 2 = 18, 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 हो गया। यहां से कितना बच गया, यहां पर 3 है गुना में, इधर आ गया तो क्या भागा में हो जाएगा, तो x − 2/x = 2/3 होगा कि नहीं होगी, गुना में इधर जाकर भागा में, तो यहां से x/x हो जाएगा, तो 1 − 2/x = 2/3। यहां से क्या होगा, 1 माइनस, यदि इधर 2/3 ला दे तो 1 − 2/3 = 2/x, तो 1 यहाँ पर लसन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो 1/3 बराबर 2/x। यहाँ से क्या है, x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x का मान 6। तो हम लोग को पता चलेगा कि पहली बहुभुज की संख्या कितनी है, 6 है, मतलब ये षष्ठभुज है, तो दूसरी बहुभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी बहुभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 × 2 = 6 = 12। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, देखे हैं हम लोग कि n − 2/n × 180 डिग्री, तो n का संख्या कितना है, 12, तो 12 − 2/12 × 180 डिग्री, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, तो 10/12 × 180, इसको कटा दीजिए 6 से 6 × 12 और 6 से 30 मरतब है, 2 से 15 मरतब है, तो 15 × 150, तो यहां से पता चल गया इसका मान कितना है, अंतःकोण का दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 150 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ढेर लोग को यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा कैलकुलेशन में, तो इसको कैलकुलेशन को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x − 2/x × 180 = 120 है ना, डिग्री है, तो दोनों जगह डिग्री कैंसिल हो गया, यहां से क्या होगा, x − 2/x, इधर 180 गुना में, इधर जाके क्या होगा, भागा में होगा, तो 120/180, 0 से 0, 6 से 6 × 12 और 6 × 3 = 18, कट गया कि नहीं कट गया, 2/3 मतलब है। तो यहां से क्या आ गया कि x − 2/x = 2/3, ठीक है। तो यहां से यदि चाहिए तो गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से कि 3 × x − 2 = 2x, तो 3x − 6 = 2x, 3x इधर है, इधर +2x, इधर जाके क्या होगा, −x, तो −2x और 3x क्या हो जाएगा, x, इधर जाके 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया ना, यहाँ पर भी x का मान 6 है, तो कैलकुलेशन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।